डिसलेक्सिया डिसग्राफिया ऐसे विकार हैं कि अगर किसी को हो जाएं तो वह अनपढ़ रह जाएगा। डिसलेक्सिया में बोलने वाले और लिखने वाले शब्दों को याद रखना कठिन हो जाता है, तो वहीं डिसग्राफिया में लिखने, टाइपिंग और वर्तनी को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं सतीश सिंह उठो और जागो एपिसोड 6 में आज बात कर रहा हूँ लुई पाश्चर की, जो डिसलेक्सिक भी थे और डिसग्राफिक भी थे। उनके माता पिता उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे। 1848 की पेरिस क्रांति से भी उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई, लेकिन मेहनत के दम पर केमिस्ट्री के प्रोफेसर बने। शराब उद्योग, जो कि फ्रांस के राजस्व का मुख्य स्रोत था, नेपोलियन बोनापार्ट ने उनसे शराब खराब होने के कारण का पता लगाने का काम सौंपा। लुई पाश्चर ने पता लगाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ऐसा होता है, अगर शराब को कुछ देर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो शराब लंबे समय तक चल सकती है। यही उनकी पाश्चराइजेशन खोज थी। पाश्चरीकरण में थोड़े समय के लिए उच्च तापमान पर तरल पदार्थों को गर्म करना शामिल होता है। यह पोषण मूल्य को प्रभावित किए बिना हानिकारक रोगाणुओं को मारता है। पाश्चरीकरण रोगाणुओं को मारता है और बियर, दूध और अन्य वस्तुओं को खराब होने से बचाता है। उनकी प्रत्येक खोज बाधा रहित श्रृंखलाओं वाली खोज साबित हुई। अपनी लगन के बलबूते रेबीज और एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने के साथ साथ उन्होंने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का तमगा अपने नाम किया। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेंसिलिन थी और इसके खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहा था, विदाउट लुईज आई वुड बी नथिंग, मतलब अगर लुई पाश्चर के सिद्धांत ना होते तो आज एंटीबायोटिक्स का भी वजूद ना होता। लुई पाश्चर ने बताया कि डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई की वजह से लोग बीमार होते हैं। इसी सिद्धांत को आधार बनाकर कभी वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक्स बनाई तो कभी वैक्सीन्स बनाई, और इसके जरिए उन्होंने इंसानों को ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं, वनस्पतियों तक को बचाया। इस सिद्धांत को कहते हैं जर्म थ्योरी। इसके प्रतिपादक लुई पाश्चर ने खुद रेबीज और एंथ्रेक्स सहित कई टीकों का विकास किया, करोड़ों लोगों की जान बचाई। कोविड काल में हम इतने कम समय में वैक्सीन बना सके तो इसका श्रेय भी लुई पाश्चर के काम को ही जाएगा। 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस में जन्मे लुई पाश्चर ने ऐसी पद्धतियां विकसित की जिनका उपयोग रेशम कीट के अंडों में बीमारी की रोकथाम के लिए किया गया। उन्होंने रेशम कीट रोगों पर अपने काम से फ्रांसीसी रेशम उद्योग को बचाया। उन्हें जीवाणु विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी का खिताब भी हासिल है। मानव इतिहास के हीरो ऑफ प्रोग्रेस की सूची में लुई पाश्चर को 19वां स्थान दिया गया है। टीका विकसित करने में उनके योगदान के लिए उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। वो वैज्ञानिकों से हमेशा कहते थे, बात वही करो जो प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर सको। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सूक्ष्म जीवों को बाहर निकालकर या नष्ट करके भोजन का खराब होना रोका जा सकता है। उनके काम ने स्वतः स्फूर्त पीढ़ी, निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न होने वाले जीवनबद्ध की अवधारणा को उलट दिया। 1881 में उन्होंने रोगाणुओं को अलग करने, कमजोर करने का एक तरीका ईजाद किया और एडवर्ड जेनर के उदाहरण का अनुसरण करते हुए भेड़ों में एंथ्रेक्स, मुर्गियों में हैजा के खिलाफ टीके विकसित किए। उन्होंने अपना ध्यान रेबीज पर शोध करने में लगाया। 1885 में एक कमजोर वायरस का टीका लगाने से पागल कुत्ते द्वारा काटे गए एक लड़के की जान बचाई गई। उस लड़के का नाम था जोसेफ मेस्टर। जोसेफ मेस्टर दुनिया का पहला इंसान था जिसको रेबीज इन्फेक्टेड कुत्ते ने काटा था और उसकी जान एंटी रेबीज वैक्सीन द्वारा बचाई गई थी। जानवरों से मनुष्यों में होने वाली बीमारियों को कहते हैं जूनोटिक डिजीज। इतिहास में कई जूनोटिक बीमारियों ने मनुष्यों को प्रभावित किया। कोविड-19 महामारी चमगादड़ द्वारा प्रेषित वायरस से उत्पन्न हुई मानी जाती है। जूनोटिक बीमारियों से बचाव के लिए जो तकनीक विकसित की गई वह लुई पाश्चर ने की, और इसके लिए उन्होंने मॉलिकुलर असिमेट्री की खोज की, जो कि स्टीरियो केमिस्ट्री की नींव है। स्टीरियो केमिस्ट्री खुद अंतरिक्ष का रसायन विज्ञान माना जाता है। इसमें अणुओं में परमाणुओं की विभिन्न स्थानिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लुईस की खोज कितनी महत्वपूर्ण है। करियर के दौरान भी उन्होंने कई समस्याओं का सामना किया, लेकिन वह पूरे जीवन बेहद प्रभावी पर्यवेक्षक बने रहे। जर्म थ्योरी, पाश्चराइजेशन थ्योरी, मॉलिकुलर असिमेट्री, एंथ्रेक्स और रेबीज के टीके, ये सब देने वाले लुई पाश्चर को महज 46 साल की उम्र में लकवा मार गया। उनका बायां हिस्सा काम करना बंद कर दिया। वह बोल भी ठीक से नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रयोगों को बंद नहीं किया। बीमारी की अवस्था में उन्होंने 1888 में रेबीज अनुसंधान संस्थान पेरिस की स्थापना की। इसके ठीक 7 साल बाद वह गंभीर बीमारी से चल बसे। उनके समय में नोबेल प्राइज नहीं था, वह कई बार नहीं तो नोबेल प्राइज जीतने में कामयाब होते। बचपन में डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और जवानी में लकवे से लड़ने वाले लुई पाश्चर से उन लोगों को सीख लेना चाहिए जो सोचते हैं कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं होती। तो दोस्तों, मेरा यह एपिसोड समर्पित है चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी खोजों के जनक लुई पाश्चर को। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लूंगा, बहुत जल्द फिर मिलूंगा किसी नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों।